हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 1.3 डाइथाइएन, जिसका सेकंड नाम होता है 1.3 डाइथाई साइक्लोहेक्सेन। कितना शानदार नाम है, जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है, ना पढ़ी है तो एक बार रिपीट मार लेना। लेकिन जो ये मेथड है ना, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का ही एक मेथड है, लेकिन बड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि यार बीएससी थर्ड ईयर का है और 12th क्लास का नहीं है, इसीलिए स्पेशल है। और एक ये मॉडर्न मेथड है जिसके द्वारा आजकल एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा रहे हैं, जानते हो ना, आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड जो कि आजकल चल रहा है। अरे बड़े समझदार हो यार आप लोग। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग 1.3, ठीक है सर, आज हेडिंग डालो आप 1.3। क्या नाम दिया मैंने इसका? डाई था एन, ठीक है बेटे, डाई डाई था एन, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं उसको 1.3, ठीक है सर, डाई था और एन, डाई था एन, ठीक है। सेकंड नाम क्या बोला था मैंने इसका? सेकंड नाम बोला था 1.3 डाईथाई साइक्लो हेक्सेन, वो आप खुद लिख लेना। लिख लोगे? अरे लिख लोगे यार, चलो छोड़ो। 1.3 डाई था येन, पहले नाम याद कर लो बढ़िया करके, फिर इसका काम देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर, ये होती क्या चीज़ है, ठीक है, तो याद कर लो ठीक से। पहला ही पॉइंट पे आप डायरेक्टली इसका नाम लिखें, काम लिखें इसका, कि किस काम में आता है। तो ये क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने की मॉडर्न मेथड है, यानी कि एक आधुनिक विधि है। पहला पॉइंट मिल गया मुझे, चलो साहब पहले पॉइंट से गुजरते हैं हम, कि यह है क्या चीज। यह है, यानी कि यह है क्या बनाने के बेटे, यह है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ओके, यह है एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना बेटे, एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनाने की कौन सी विधि है? बनाने की मॉडर्न विधि है। मॉडर्न तो समझते हैं ना आप लोग, मॉडर्न विधि है, विधि मतलब मॉडर्न मेथड है, ओके, मॉडर्न मेथड है, ओके सर, इतना तो हम सीख गए, इतना तो हम सीख गए। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनवाई है इसकी, बस सिर्फ इतना पता करो कि ये डाई, यानी कि होता क्या है, ये यानी कि यह है एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनाने की मॉडर्न मेथड है, यानी कि मॉडर्न विधि है, समझ गए, ओके। सेकंड नंबर मेरे पास आता है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। कैसे होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, याद कर लो कि विषम चक्रीय यौगिक होता है। यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिनकी कार्बन, जिनकी रिंग में कार्बन के अतिरिक्त जैसे सल्फर हो गया, या मेरे पास फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक विषम परमाणु प्रेजेंट होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। आपको नॉलेज अच्छी खासी है इसके बारे में, चलो साहब आगे देखते हैं जरा। तो ये क्या है मेरे पास? यह है क्या बेटा? यह हेट्रोसाइक्लिक, यह हेट्रो साइक्लिक, ठीक है, यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अरे यार हर एक टॉपिक इजी होता है, बस पढ़ने वाले की बात है। यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इस लाइन पे ध्यान देना, यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ओके। कैसे होता है बेटे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और एक खास बात और ध्यान देनी है, यह स्ट्रोंग न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होता है, यह स्ट्रोंग न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो नाभिक से इसने रखता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन एटम पे कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज आया होगा, तो यह स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रोंग न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट का मतलब समझ रहे हो आप, कि यार ये कार्बेनयन होता है, नाम सुना ना, कार्बेनयन का, जिसपे जब कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बेनयन कहते हैं, बस ये कार्बेनयन ही होता है। और कार्बेनयन कैसे होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है ना, हाईली अनस्टेबल होता है ना, और ये स्टेबिलिटी जल्दी ग्रहण करता है, बहुत बड़ा यूज होने वाला है इस पॉइंट का इसमें। चलो साहब नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आया वाला पॉइंट, कि यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है सर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसका नाम 1.3 डाई डाइथा येन है, ये तो हम सीख लिया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता, ठीक है। अच्छा बना के देखें एक बार कैसे दिखता है, दिखने में ये दिखता कैसा है? अरे साहब ये ऐसा दिखता है, हमें क्या पता था ये ऐसा दिखता है। लो साहब ये एस हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या हो गया? एस हो गया। अब मेरे पास क्या होगा? कुछ इस टाइप से ये हमें देखने मिल जाएगा, 1.3 डाई था एन, ठीक है बेटे, डाई था येन, ठीक है, इसका नाम ही ऐसा, इसका यार क्या करूं यार,
1.3 डाई था येन, ठीक है, ये होता है। और इस पे फोकस करना है, हर एक कोने पे CH2 होता है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, और यहां भी क्या है मेरे पास CH2 है, इसीलिए तो बोला गया इसको 1.3 डाइथाई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ध्यान देना है, और जरूरी नहीं कि यहां पे हो, ये 1.4 भी आता है, 1.4 डाई था येन भी आता है, ठीक है। 1.4 का मतलब होता है कि ये वाला यहां लगा दो, ये वाला यहां लगा दो, ये 1.3 की जगह 1.4 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.2 ये वाला ऐसे यहां भी हो सकता है लगा हुआ, ठीक है। बड़ा दिमाग घूम गया ना आप लोगों का, 1.3 डाई था एन, 1.4 डाई था एन भी होता है, 1.2 डाई था एन भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी सबकी चेंज हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है, 1.3 डाई था एन किस काम में आता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एक क्या है, मॉडर्न मेथड है, एक आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा आज का हम एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं। यार ये तो सिंपल सा मेथड हो गया यार, चलो साहब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हम इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाएंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड पकड़ना है और एल्डिहाइड पर 1.3 प्रोपेन डाईओल की रिएक्शन करवा देनी है, और बन के तैयार हो जाएगा अपना 1.3 डाई था येन। बोलने की प्रैक्टिस कर लेना इसका नाम, ठीक है। चलो देखो फिर, चलो साफ इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं भाई, इसके बाद क्या है, कैसे बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड पकड़ो, फॉर्मेल्डिहाइड पकड़ लो सर, फॉर्मेल्डिहाइड से बड़ा लगाव है इसमें, ऐसा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड पर, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड पर 1.3, 1.3 सही है सर, 1.3 प्रोपेन, 1.3 प्रोपेन और क्या है, 1.3 प्रोपेन, ठीक है, डाई थायोल, ए डाई थायोल, ठीक है बेटे, डाई थायोल, ये 1.3 प्रोपेन डाई थायोल, ठीक है, 1.3 प्रोपेन डाई थायोल की क्रिया द्वारा, हमारा 1.3 डाई था येन बनता है, डाई था येन बनता है, ओके ठीक है सर, आपने कहा और हम ना बनाएं ये तो इम्पॉसिबल है। चलिए साहब जरा बना के दिखाओ, फॉर्मेल्डिहाइड पकड़ो अपना, फॉर्मेल्डिहाइड ये रहा अपना फॉर्मेल्डिहाइड, ये है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, चलो साहब फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस 1.3 प्रोपेन, प्रोपेन ए CH2, क्या ये प्रोपेन है ए भैया, क्या ये प्रोपेन है, नहीं है तो फिर क्या है ये, अब प्रोपेन नहीं है तो फिर क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन, बस रिंग नहीं बनाइए, CH2 तो होते हैं ट्राई मेथिलीन साइक्लोप्रोपेन तो होता है, रिंग बना दो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं रिंग नहीं बना रहा हूँ ऐसे अंदर हूँ, इधर लगाऊंगा मैं डाई थायोल है, डाई थायोल है तो इसे बनाएंगे शक्तिमान, अब ये हो गया डाई थायोल, तो इसका नाम क्या है आप इसके नीचे लिख लो फॉर्मेल्डिहाइड, और इन भाईसब के नीचे लिखना आप, इन भाईसब के नीचे लिखना लिखना आप 1.3 प्रोपेन डाई थायोल, लिख लोगे ना, लिख पाऊँ, लो साहब 1.3 प्रोपेन, 1.3 प्रोपेन, प्रोपेन डाई थायोल, चलो साहब अब बना दो, अब क्या बनाना है मुझे ए भैया, क्या बनाऊं अब मैं, ऐसा ऐसा कुछ मत बनाओ, बस बनाए दो जबरदस्ती, देखो ये वाला एच और एक एच ये वाला और एक ये वाला ओ, ये बहुत बुरे लग रहे हैं, एक ये वाला एच, एक ये वाला एच और एक ये वाला ओ, यहां से H2O तुरंत बाहर कर दो गुस्से में, ठीक है कर दिया H2O बाहर, अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, ये फॉर्मेल्डिहाइड में तो मजा नहीं आया, ओ एच एच चला गया बाहर, CH2 ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, S S आ गया, CH2 ठीक है, अरे हो ये तो बन के तैयार हो गया, बस सिंपल सी बात है, ऐसे बनता, बन गया नहीं बन गया, और ये एक बीक एसिड होता है, ध्यान देना क्या होता है बेटे, ये एक बीक एसिड होता है, इस पर भी फोकस करना, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड पर 1.3 प्रोपेन डाइथायोल क्रिया द्वारा हमारा 1.3 डाई क्या बनता है मेरे पास, 1.3 डाइथायेन बनता, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, पकड़ो 1.3 प्रोपेन डाइथायोल पकड़ के, डाइथायोल पकड़ने के बाद, यानी कि डाइथायोल पकड़ने के बाद जब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो CH2 यहाँ है, CH2 यहाँ है, CH2 यहाँ है, CH2 यहाँ है,
यहाँ जो सी एच टू है वो, क्योंकि यहाँ भी सी एच टू, 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 तो यहाँ के सी से जो है मैं एच बाहर करूँगा, ये वाले दोनों के दोनों एच अटैच होते हैं इस पे, लाइन पे ध्यान देना, सी एच टू है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1.3 डाइथा येन, कर लोगे ना कवर इसको, लिख दो इसके नीचे नाम, ना तो ऐसे रहने दो, मत लिखो क्योंकि जगह नहीं है इतनी लिखने लायक, ऐसे रहने दो इसको, बना दिया मैंने, ठीक है। एक लाइन पे मैं और डिस्कस करता हूँ कि ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, इस पे लाइन पे ध्यान देना, क्या होता है ये, एक वीक एसिड होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ भैया मैं लिख रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये एक वीक एसिड होता है, यानी कि 1.3 यह है, ठीक है सर, यह है एक क्या होता है, यह है एक वीक एसिड होता है, ओके, यह है एक वीक एसिड होता है, ठीक है सर, वीक एसिड होता है, ठीक है, और स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके एनायन बनाता है, स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके, तथा स्ट्रोंग बेस से, लाइन पे ध्यान देना बेटे, तथा स्ट्रोंग बेस से, स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके, स्ट्रोंग बेस से क्या करके, क्रिया करके, स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके क्या बनाता है ये, स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके, ठीक है, एनायन बनाता, एनायन को क्या बोलते हैं हिंदी में, एनायन बनाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणायन, बनाता है, ठीक है बेटे, यह बीक एसिड होता है, ठीक है, यह बीक एसिड होता तथा स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके एनायन बनाता, बना दिया एनायन। एनायन का मतलब यह है कि कार्बन एटम, जो मेरे पास ये वाला कार्बन एटम होगा, इस कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या जाएगा, कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास कार्बेनयन है, जब कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम बोलते हैं कार्बेनयन। अब कार्बेनयन जो है बेचारा हमारा, वो दो सल्फर एटम यानी कि सल्फर परमाणु के बीच में घिरा पड़ा, इधर से भी घिरा पड़ा, इधर से भी घिरा पड़ा, इधर मेरे पास क्या, ये कार्बेनयन होगा। अब जो कार्बेनयन है, इन दोनों यानी कि सल्फर एटम की वजह से कार्बेनयन जो होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है और स्टेबिलिटी ग्रहण कर लेता है, फंस गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऊपर से कार्बन एन पे एक निगेटिव चार्ज है, जब निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में होने के कारण वो पोलराइज हो जाता और स्टेबिलिटी ग्रहण कर लेता है। ये मैं बना के दिखाऊंगा आपको कैसे, ठीक है, फिलहाल तो मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ कि ये एक वीक एसिड होता था, स्ट्रोंग बेस से क्रिया करके एनायन बनाता है, कार्बेनयन, कार्बेनयन मतलब समझते हो ना आप, कार्बेनयन, बताओ जरा मुझे, कार्बेनयन मतलब जब कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बेनयन कहते हैं, कार्बेनयन दो सल्फर एटम, दो सल्फर एटम, कार्बेनयन दो सल्फर एटम के बीच होने के कारण, के बीच होने के कारण, होने के कारण क्या कर लेता है ये, बीच होने के कारण, ठीक है, पोलराइज हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, तथा स्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है यानी कि ग्रहण कर लेता है, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या कर लेता है बेटा, ये एक्सेप्ट कर लेता है यानी कि स्टेबिलिटी क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है। देखो कैसे करके बना दूं, पक्का सोच लो, ठीक है, सोच लिया, चलो साहब हमने भी सोच लिया, चलो साहब देखो यार ध्यान से, ये मैंने क्या बनाया सर, ये आपने क्या बनाया, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ मैंने क्या बनाया, तो बेटा यहाँ पे क्या मेरे पास सी है, यहाँ पे क्या सी है, और ए इस सी को मैंने बाहर दिखाया नहीं है, बस मैंने खाली एच बाहर निकाल दिए, 1.3 डाई था ये नहीं है, ओके सर, प्लस ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल C4H9 और लिथियम, ब्यूटिल लिथियम लेंगे हम, ब्यूटिल लिथियम, ठीक है बेटे, मैंने क्या लिया है, ब्यूटिल लिथियम लिया, दिस वन इज स्ट्रोंग बेस होगा मेरे पास, ये क्या है बेटे, एक स्ट्रोंग बेस है, इसका नाम लिख दो नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम, ठीक है, ब्यूटिल लिथियम, ओके ओके सर। अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या होगा, जो ये वाला बोन्ड है ना, ये वाला बोन्ड देखो, ये वाला बोन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, ये वाला बोन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर आ जाएगा मेरे पास निगेटिव चार्ज, तो ये वाला एच प्लस और 9 के साथ मिलेगा और ये बना देता है ब्यूटेन, C4H10 बन गया मेरे पास, ये बना दिया मैंने ब्यूटेन, ठीक है बेटे, ये C4H10 जो है मेरे पास ब्यूटेन बन गया, तैयार हो गया। अब लिथियम में मेरे पास प्लस रह गया, लिथियम आगा और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनागा कुछ इस टाइप से, ये आया मेरे पास, आया आया हंसते हुए, और भैया सी ए, ये मेरे पास जो एच है ना,
ये मेरे पास एच ऐसे रहेगा, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास एच ऐसे रहेगा और लिथियम के साथ ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन थोड़ा सा ये लिथियम पे यहाँ प्लस चार्ज हमारा दिखाई देता है, मैंने बॉन्ड शो नहीं करा। और एक चीज़ और है, क्योंकि इस पे क्या गया माइनस आ गया, इस पे क्या गया मेरे पास बेटा माइनस आ गया। और एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें मैं, यानी कि जो मेरे पास दो माइनस आए हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मैंने इस पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो दो माइनस, तो इस पे क्या आता है मेरे पास माइनस आ जाता, क्या आता है इस पे माइनस, तो ये क्या बन गया बेटे कार्बन एन बन गया, क्या बन गया मेरे पास कार्बन एन बन गया। नहीं हमारा इतना सीख गए, यहां तक कर लिया, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर मैं इसके आगे करवाता हूँ क्या कहानी है, उतार लो इसको जल्दी, ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है मजा आ रहा ना पढ़ने में है भाई। अरे भाई पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा, ये तो यार बिल्कुल इजी टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को ना समझे तो फिर किसे समझे है भाई, ये तो हमारा सबसे सिंपल सा टॉपिक है भाई, इसको समझो यार बढ़िया करके। चलिए साफ, इसके बाद जो है मैं नया पॉइंट करवाता हूँ आपको, और नया पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड अब कैसे बनाओगे, मेन पॉइंट हमारा अब आता है, ठीक है यानी कि सिंथेसिस, ध्यान देना मेरे लाइन पे, सिंथेसिस ऑफ क्या एल्डिहाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, ओके ओके सर, एल्डिहाइडों का संश्लेषण कैसे करते हैं, पहले बनवाऊंगा रिएक्शन, उसके बाद में आप उसकी थ्योरी लिखना, ठीक है चलो साहब देखो जरा, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड मैं कैसे बनवा रहा हूं, सबसे पहले अपना 1.3 डाइथा येन पकड़ लो, पकड़ लिया देखो मैंने पकड़ लिया, ये 1.3 यहां से भी एच बाहर निकालो और यहां से भी एच बाहर निकाल दिया, ठीक है इसका नाम क्या है 1.3 डाइथायन, 1.3 डाई था येन, ठीक है ले लिया, प्लस कुछ नहीं करना है क्रिया, ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि ब्यूटिल लिथियम, ये आ गया मेरे पास ब्यूटिल लिथियम के साथ इसकी क्रिया करवा दो, चलो साहब ब्यूटिल लिथियम के साथ क्रिया करवाओगे, और ध्यान देना यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF प्रेजेंट होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, चाहते हो तो लिख सकते हो इसका पूरा नाम लिख लो साइड में कहीं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिख के दूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिख लोगे, चलो लिख लो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, अब क्या होगा वही कहानी जो मैंने पीछे बताई है सेम टू सेम, कुछ नहीं है ब्यूटेन मेरे पास बाहर हो जाएगा, अगर आपने पीछे वाला टॉपिक समझ लिया, इसलिए मैंने पहले बता दिया चीज को, C4H9 यानी कि मिलेगा और Li यहां जुड़ जाएगा, चलो साहब ये एस एस डबल एस इज माई लोगो, तो ये एस एस मेरे पास हो गए, और भैया हमारा जो है मैंने बोला ना ये बॉन्ड इसमें मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है तो यहाँ जो मेरे पास है वो क्या जाएगा बेटे दो इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास एच रहेगा ऐसे, और यहाँ आ गया मेरे पास लिथियम प्लस, ठीक है आ गया, तो ये क्या बन गया इसका नाम 1.3 डाइथायोनिल लिथियम, 1.3 डाइथायोनिल लिथियम लिख दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, नाम मत लिखो नाम में क्या रखा, चलो सब आगे देखते हैं इसका, इसके बाद इसकी क्रिया होती है एल्किल हैलाइड के साथ आर एक्स के साथ, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दूं, कर दो क्योंकि माइनस वाला प्लस वाले के साथ मिलकर बाहर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, एल आई एक्स क्या मेरे पास बाहर हो गया, हो गया ठीक है सर, एल आई एक्स आपने बाहर कर दिया, हम भी खुश तुम भी खुश, अब क्या होगा ये तुरंत आगा और यहाँ पे क्या होगा चिपक जाएगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्या है मेरे पास इस पे प्लस आ जाएगा इस पे माइनस है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बोर्ड बन जाएगा, तो कुछ इस टाइप से हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। अरे बड़ी इजी रिएक्शन है इसकी यार, इसकी रिएक्शन सबसे इजी होती है मेरे ख्याल से, ये बन गया मेरे पास आर, तो ये क्या बना है ये बना है 1.3 डाइथायन का एल्किल व्युत्पन्न, ठीक है ये क्या बेटे एल्किल व्युत्पन्न बन गया मेरे पास, ठीक है अब यह करना है कुछ नहीं करना है, अब जो करना है मुझे मरकरी क्लोराइड जो कि मैथेनोल में विलेय होती है, जो कि मैथेनोल में क्या होती है बेटे विलेय होती है, मरकरी क्लोराइड जो कि मैथेनोल में क्या होती है विलेय होती है, लाइन पे ध्यान देना है, और हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, क्या कर देंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका जल अपघटन, तो अब क्या होगा भाई अब जब मैं जल अपघटन करवाऊंगा हाइड्रोलाइसिस इसका मैं करवाऊंगा, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर जो मेरे पास बनेगा मतलब जल के साथ इसकी क्रिया करवा देनी है HOH के साथ, ठीक है तो कुछ नहीं है देखो दोनों के दोनों जो एच है ना ये वाला एच एक में यहाँ डाल दूंगा ये वाला एच मैं एक यहाँ डाल दूंगा, ठीक है कुछ इस टाइप से ये बने कंपाउंड तैयार हो जाएगा हमारा, ये देखो
ये एस एच और एस एच प्लस, मेरे पास क्या बनेगा बेटे, मेरे पास बनेगा ये देखो एच रह गया, सी रह गया, आर रह गया, तो एच रह गया ठीक है। फिर मेरे पास इसे थोड़ा थोड़ा मैं नीचे करके लिखूँ, और ये मेरे पास एच रह गया, मेरे पास सी रह गया या ऐसे रहने दो इसको, और ये मेरे पास क्या जाएगा बेटे यहाँ पे आर रह गया, और ये जो मेरे पास ओ बचा ना वो यहाँ पे आप डाल दो डबल बॉन्ड की फॉर्म में, ये इस टाइप से ये आ गया मेरे पास ओ, ये क्या बन गया आर सी एच ओ, आर सी एच ओ, ये हमारा एल्डिहाइड। ये क्या बेटा हमारा एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है एल डी हाइड। ओके क्या बना दिया मैंने, ये एल्डिहाइड बना दिया आर सी एच ओ। आप चाहते हो तो इस कार्बन को खोल के भी दिखा सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने कार्बन हाइड करके रखा, जरूरी नहीं है कि यार इस कार्बन को दिखा दो। तो ये बन गया मेरे पास आर सी एच ओ बन गया, और इसका नाम क्या जरा इसका नाम बता दो, देखो सी एच टू सी एच टू सी एच टू एस एच एच एच, पीछे मैंने लिखवाया अभी 1.3 प्रोपेन डाई थायोल, ठीक है यही तो है ना 1.3 प्रोपेन डाई थायोल, लिख दो ना इसका नाम, लिख लो नाम चाह रहे हो तो लिख लो इसका नाम 1.3 1.3 ठीक है, प्रोपेन प्रोपेन ठीक है, प्रोपेन डाई थायोल, डाई थायोल ठीक है, डाई थायोल ठीक है, 1.3 प्रोपेन डाई थायोल, और प्लस में हमारा एल्डिहाइड बनकर तैयार हो गया। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूँ इसकी, फिर एक एग्जांपल देके मैं करवाता हूँ आपको कि रियलिटी में कैसे होता है। थ्योरी क्या कि जब जब 1.3 कौन सा बेटे डाई डाई था एन ठीक है, डाई था एन, जब 1.3 डाई था एन ठीक है, किसके साथ क्या करता है एल्किल लिथियम के साथ, ध्यान देना एल्किल लिथियम के साथ ठीक है, एल्किल लिथियम ठीक है, लिख दो एल्किल लिथियम, ओके ओके एल्किल लिथियम के साथ क्या करता है बेटे, क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो एक इसका तो एक 1.3 1.3 ठीक है, डाई 1.3 डाई थायो नील लिथियम बनाता है जो एल्किल हैलाइड यानी कि आरएक्स से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा, ये 1.3 1.3 डाई थायेन का एल्किल व्युत्पन्न बनाता है, एल्किल व्युत्पन्न बनाता है जिसका जलावर्धन, जिसका हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा करने पर, जिसका हाइड्रोलाइसिस सी एच थ्री मैथेनोल, क्या नाम है इसका, मैथेनोल में विलय, मैथेनोल में विलय मरकरी क्लोराइड द्वारा करने पर, क्या बनते हैं बेटे एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, और 1.3 प्रोपेन डाइथायोल बाहर हो जाता। बस ये थोड़ी सी थ्योरी थी। तो जब 1.3 डाइथेन एल्किल लिथियम के साथ क्रिया करता है तो एक 1.3 डाइथायोल थायोनिल लिथियम बनता है जो आरएक्स से क्रिया करके यानी कि एल्किल हैलाइड से क्रिया करके 1.3 डाइथायेन का एल्किल व्युत्पन्न बनाता है जिसका हाइड्रोलाइसिस मैथेनोल में विलय सिल्वर क्लोराइड द्वारा मतलब मरकरी क्लोराइड द्वारा करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। अब आप चाहते हो तो एक रिएक्शन और दे दो, आपकी मर्जी है अगर देना चाहते हो तो, जैसे मुझे बनाना हो एथिल एसिटैल्डिहाइड बनाना हो तो एसिटैल्डिहाइड क्या करना पड़ेगा आपको, इस आर की जगह सी टू एच फाइव और एस की जगह सी एल ले लो, सी टू एच फाइव सी एल बन जाएगा आपके पास, यहाँ सी टू एच फाइव सी एल आ जाएगा, यहाँ पे सी टू एच फाइव यहाँ आ जाएगा तो मेरे पास सी टू एच फाइव आ जाएगा, और जो आपने ये एल आई एक्स बार करा तो यहाँ पे अगर मैंने लिया ना सी टू एच फाइव सी एल तो एल आई सी एल बार हो जाएगा, सी टू एच फाइव इसकी जगह आ जाएगा, तो बन जाएगा सी टू एच फाइव और सी एच ओ यानी कि प्रोपेन एल्डिहाइड, और अगर ठीक है इस आर की जगह सी एच थ्री लोगे तो बन जाएगा मेरे पास एसिटैल्डिहाइड। वो तो आपकी मर्जी है, आर की जगह आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो ठीक है। एक बार यहाँ नीचे करके देखो, रिएक्शन बना के देखो, इस आर की जगह आप क्या लोगे, इस आर की जगह सी एच थ्री सी एल लेके देखो और बनाओ, प्रैक्टिस करो बढ़िया करके, कर लोगे ना पक्का। चलो साहब छोड़ते हैं चीज को, हम अब बनवाता हूँ मैं तुम्हें सिंथेसिस ऑफ एक्टोन, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, इससे क्या है बेटे थोड़ी सी बड़ी है बस, बड़े है बड़ी इजी, बस सेम टू सेम कहानी है, दो बार रिपीट होगी यही कहानी। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग सिंथेसिस ऑफ कीटोन ठीक है,
सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। चलो साहब कीटोन बना के दिखाओ, ठीक है ना। पहले क्या बनता है बेटे, पहले थायो कीटल, लाइन पर ध्यान देना, पहले थायो, ठीक है, थायो कीटल, पहले थायो कीटल बनता है, ठीक है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर, ठीक है, कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। चलो साहब बना के देखते हैं, बस थ्योरी बहुत है इतनी, बाकी फालतू थ्योरी मत लिखो, एल्डिहाइड में लिखवा दी काफ़ी है। चलो साहब देखते हैं बना के, तैयार? सही है सर, मैं यार टू स्टेप में लूँगा, क्योंकि यार एक स्टेप में रिएक्शन बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। जरा लाइन पर ध्यान देना, सबसे पहले हमारा बेचारा भैया कौन सा है, 1.3 की एंट्री हमारी हो जाती है, ये एच है, ये एच है, 1.3 डाइथा येन की हमारी एंट्री हुई, प्लस C4H9 और लिथियम, ब्यूटिल लिथियम टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन प्रेजेंट हुआ। मर्जी है चाहो तो लिख सकते हो, वरना चाहो तो छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इन दोनों में से टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन वो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो साहब ये चलिए साहब, ये मेरे पास क्या है, एस, ये मेरे पास क्या है, एस, ठीक है, हो गया दोनों एस, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस वही कहानी अपनी पीछे वाली जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। ए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड मुझे क्रेक कर देना, इस पे, तो इस पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि ये आ गया मेरे पास, इस पे क्या जाएगा मेरे पास, इस पे मेरे पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एच ऐसे रहेगा, और लिथियम पे क्या गया मेरे पास, प्लस आ गया, आ गया लिथियम में प्लस, ठीक है, बन गया, क्या नाम है इसका, 1.3 डाई थायोनिल, 1.3 डाई थायोनिल, ठीक है, लिथियम, ये बन गया तैयार हुआ कंपाउंड हमारे पास। इसके बाद में फिर से अगेन मैं क्रिया करवाऊंगा इसकी, किसके साथ करवाऊंगा यार क्रिया, आर एक्स के साथ, तो सिंपल सी बात है, ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिक होगा और ये वाला ऐड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बैठा हमारा साथ में माइनस, ठीक है, और यहाँ मेरे पास बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाती है, एस एस, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ बॉन्डिंग इस टाइप से बन के यहाँ पर तैयार हो जाती है, तो यहाँ से एल आई, यानी कि माइनस प्लस मिलके क्या होगा, बाहर हो जाएगा एल आई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आर जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1.3 डाई थायेन का एल्किल व्युत्पन्न बन गया, ठीक है, बन गया कम्प्लीटली, एक बन गया। अब सेम ये वाली क्रिया उठा के ना, इसकी सेम मैं जो हूँ इसके बाद एक स्टेप में और ले रहा हूँ, सेम इसको पकड़ो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी यार, ठीक है, इसको हटाओ, ये तो एस एस, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एच है, ये मेरे पास क्या है बेटे, आर है। फिर से अगेन वही क्रिया अपनाओ, जो क्रिया मैंने ऊपर अपनाई है ना, सेम इसमें वही क्रिया अपनाई जाएगी, C4H9 और मेरे पास क्या है, लिथियम, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है इसको। चलो साहब ये लिख लिया मैंने, ए फिर से अगेन ये क्रिया है, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिक कर दूंगा, ठीक है, तो फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड अगर चाहो तो इस पर क्रिक करो, तो बॉन्डिंग मैं शो करनी कर दिए मैंने इसमें, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है भाई, तो ए ये और ये, ठीक है, ये मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पे आर हो गया, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या होगा बेटे, इस बार जो है ये वाला एच मैंने गायब कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास लिथियम, और क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस, फिर से मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पर फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस, ठीक है, वही सेम प्रोसेस अपनानी है ऊपर वाली, फिर मेरे पास क्या होने वाला है, फिर से मेरे पास आर एक्स लेना है कोई भी एल्डिहाइड, फिर से ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रेक करूंगा, तो फिर से मेरे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को साथ लेना आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा अपना एक, और यहाँ से लिथियम एल आई एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, फिर से मेरे पास सेम टू सेम कहानी, यही वाली मैं कहानी लेने वाला हूँ, एस एस, ठीक है, इस बार मेरे पास दोनों बार क्या बनेगा, आर बनेगा और आर बनेगा, आप चाहते हो तो यहाँ पे आर डैश कर दियो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, आर डैश हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन वही अपनी कहानी, हाइड्रोलाइसिस कर दो, जल अपघटन कर दो, और किसकी उपस्थिति में, एच जी सी एल टू और मैथेनॉल CH3OH, ठीक है, मैथेनॉल में वनी सिल्वर क्लोराइड द्वारा जब करवाओगे इसका जल अपघटन, यानी कि मैथेनॉल में बना मरकरी क्लोराइड द्वारा जब इसका जल अपघटन करवाओगे, ठीक है, तो अपना मेन कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा, देखो कुछ इस टाइप से, तो ध्यान देना जरा, आर डैश आर, तो यह आ जाएगा मेरे पास आर डैश, तो यह आ गया मेरे पास सी, फिर आर, और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये ओ आ जाएगा, बन गया मेरे पास कीटोन, ठीक है सर, ये मेरे पास कीटोन बन गया, ठीक
ठीक है, किंडोन बन के तैयार हो गया। और प्लस मेरे पास क्या होगा, एक एच दो एच है ना, एक एच यहाँ डाल दो, एक एच यहाँ डाल दो, मैंने आर डैश आर सी यहाँ पे सी आएगा ठीक है, और डबल बॉन्ड ओ कर दिया, एक एच यहाँ डालो, एक एच यहाँ डालो, इस टाइप से एस एच और एस एच, इसका नाम क्या, 1.3 प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन डाई थायोल, ठीक है, 1.3 प्रोपेन डाई थायोल बन गए। एल्डिहाइड भी, एल्डिहाइड ये बनवा दिया मैंने और किडोनिया बनवा दिए, बस सिंपल सी रिएक्शन, ये बन के तैयार हो गया। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट है इसमें? आराम से पढ़ो, बढ़िया करके करो इस चीज़ को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में आता है कि 1.3 डाई थायेन क्या होता है और इसके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार बनाते हो, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की विधियां आप सब लोगों को आती हैं, ना आती हैं तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।